चित्रकला प्रावैधिक कक्षा 12 के केवल प्रश्न पत्र में आज हम निर्मेय सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। निर्मेय है एक आयत बनाओ जो क्षेत्रफल में त्रिभुज क ख ग का दोगुना हो, जिसका आधार ख ग बराबर 5 सेंटीमीटर तथा भुजाएं क ख और क ग क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं। तो निर्मेय कह रहा है कि एक आयत बनाना है जो त्रिभुज क ख ग का दोगुना हो और उसकी दो भुजाएं और आधार दी गई हैं। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि त्रिभुज का आधार कितना है। त्रिभुज का आधार ख ग 5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे। एक आधार रेखा सीधी इस तरह से पटरी की मदद से 5 सेंटीमीटर की आधार रेखा खींचेंगे। ख ग यहाँ अंकित कर देंगे, ख और ग 5 सेंटीमीटर की रेखा हमने खींच लिया। उसके बाद अन्य दो भुजाओं में कह रहा है कि क और ख तथा क ग क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं। तो इसका मतलब कि क ख रेखा 3 सेंटीमीटर की है। तो ख यहाँ है तो क ऊपर होगा, क और ख 3 सेंटीमीटर की रेखा। तो हम कंपास में गोलाप्रकार में 3 सेंटीमीटर की रेखा भर लेंगे। 3 सेंटीमीटर की रेखा भर लेते हैं और इस 3 सेंटीमीटर की दूरी से हम ऊपर की ओर इस प्रकार से चाप लगा देंगे। इस तरह से चाप डॉटेड लगाएंगे इस तरह। उसके बाद फिर ख और ग की दूरी पहले से ज्ञात है। क और ख की दूरी 3 सेंटीमीटर पर हमने चाप लगा लिया। अब क और ग की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो फिर हम अपने गोलाप्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे। इस तरह से 4 सेंटीमीटर की दूरी भरने के बाद ग को केंद्र मान करके चाप को हम ऊपर की ओर इस तरह से काट देंगे। जो चाप बिंदु प्राप्त होगा वही क होगा। अब क ख को और क ग को मिला देंगे तो हमारा त्रिभुज बन जाएगा। तो आइए मिला देते हैं। ख और क को हमने मिला दिया इस प्रकार से, जो 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद क और ग को भी मिला दिए। क और ग की दूरी 4 सेंटीमीटर है, इस प्रकार से हमने अंकित कर दिया। अब क ख ग त्रिभुज हमारा बनकर के तैयार हो गया। शर्त है कि क ख ग त्रिभुज का दोगुना एक आयत बनाना है। इसके लिए हमें सबसे पहले ख बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। इस तरह से प्रकार की मदद से हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे ख बिंदु पर सबसे पहले इस तरह से। उसके बाद इस प्रकार से बना लेंगे। नाइन्टी डिग्री का कोण इस तरह से चाप के माध्यम से बनाएंगे और फिर इसको डॉटेड रेखा में ऊपर की ओर बढ़ा देंगे इस तरह से यहाँ। इसके बाद हम ग बिंदु पर भी 90 अंश का कोण बनाएंगे इस तरह से। ग बिंदु पर 90 अंश का कोण बना लेंगे। ग बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाने के बाद उस रेखा को भी हम ख बिंदु की रेखा की भांति ऊपर की ओर खींचेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमारा दूसरा ग बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बन गया। इस प्रकार से हम इसको खींच देंगे। इसके बाद अब आयत की हमको 1, 2 और 3 रेखाएं प्राप्त हो गई। ऊपर की रेखा हमको ज्ञात करना है। हमें ज्ञात है
कि आयत की आमने सामने की रेखाएं बराबर होती हैं और समानांतर होती हैं। तो अब हम ख और ग के समांतर क बिंदु से होकर जाने वाली रेखा खींचेंगे। इसके लिए हम इस तरह से समांतर रेखा खींच देंगे, इस प्रकार इसको रखेंगे और इसको इसी तरह से आगे की ओर बढ़ाएंगे क बिंदु तक, जहाँ तक इस प्रकार से बढ़ाने के बाद हिलने न पाए, ऐसे हम आगे की ओर बढ़ा देते हैं। तो हमें हमारे आयत की चारों भुजाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हम बड़ी सहजता के साथ एक आयत बना लेते हैं जो त्रिभुज क ख ग का दोगुना होता है। सारे नियमों को फॉलो करते हुए हमने इस प्रकार से बना लिया। अब इसकी रचना रेखाएं ऐसे रहने दें, तो हमारा पूरी तरह से बन करके तैयार हो गया और आयत की चारों भुजाओं को हम इस तरह से गहरा कर देंगे, क्योंकि अभीष्ट रेखाएं गहरी होती हैं। ध्यान रहे कि रचना रेखा HB अथवा 2HB पेंसिल से खींचते हैं और अभीष्ट रेखाएं 2B पेंसिल से खींचा जाता है, जिससे कि अभीष्ट रेखाएं गहरी और स्पष्ट दिखाई दें। तो इस तरह से अब हमने क ख ग त्रिभुज का दोगुना क्षेत्रफल का एक आयत बनाया, जिसका नाम जैसे क ख, और इसको हम इन दो बिंदुओं को च और छ नाम दे देंगे। तो इस प्रकार से हमारा निर्मेय साल्व हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि इससे आपको परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।